लोकसभा चुनाव में प्रथम चरण के चुनाव के लिए महज कुछ ही दिन का समय बचा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय दलों के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ रैलियां भी हो रही हैं। रविवार को राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट भी अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत उत्तरकाशी पहुंचे और रामलीला मैदान में एक भरी जनसभा को संबोधित किया। सचिन पायलट ने भाजपा और मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, काले धन आदि तमाम बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाकर सेना का सहारा ले रही है। शत्रुघ्न सिन्हा के पार्टी में शामिल होने को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि जिन लोगों ने भाजपा की नींव रखी, आज उन लोगों को पार्टी से नजरअंदाज किया गया है। आज भाजपा वन मैन आर्मी एंड टू मैन शो हो गई है। साथ ही नोटबंदी कर निम्न तबके के लोगों को परेशान करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी ने देश से 50 दिन मांगे थे और देश ने 5 साल दे दिए, लेकिन काले धन की बात आज वो नहीं करते। दुख सुख के भागीदार रहे, प्रीतम जी ने पूरे मेहनत से यहाँ पर काम किया, सत्ता में हो ना हो लेकिन जनता के साथ जुड़ाव बना के रखा है, उसका आशीर्वाद और परिणाम उनको जनता देगी। श्रमिक मंत्र के लिए उत्तरकाशी से संवाददाता महावीर राणा की रिपोर्ट।